तो जी रूम ओके गाइज मैं जा रही हूँ पार्लर भाभी को लेके। भाभी की प्लकिंग होने वाली थी, रात को शादी है मेरी कज़न की, मेहंदी है तो उस पर हमें जाना है, तो उसके लिए भाभी को प्लकिंग करवानी थी। मैंने सोचा क्यों ना उनको साथ ले जाऊँ तो उनकी प्लकिंग करवा लूँ। तो भाभी जो हैं वो तैयार होके खड़ी हैं, अबाया पहन लिया है, मैं भी बस शॉल लेने वाली थी और बस हम निकलते हैं। तो ये जी कैटो हमारे सामने बैठी है जो कि बहुत ही प्यारी लगी। तो बस हम अभी आपको पार्लर में जा कर मिलते हैं। तो पार्लर हमारे घर के करीब ही है, हम लोग पार्लर में आ चुके हैं। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, हम आ गए हैं वापस। अब मुझे पीना है अपना कहवा वेट लॉस के लिए जो मैं पीती हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत जल्द मैं आपके साथ उसकी रेमेडी भी शेयर। तो जी ये है कहवा मेरा जो मैं वेट लॉस के लिए यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो इसकी रेमेडी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। इसमें जो पानी है वो काफ़ी कम हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी मज़ीद, क्योंकि इसमें जो मैंने चीज़ें डाली थी वो काफ़ी मकदार में है, तो इसमें मज़ीद पानी ऐड किया जा सकता है। तो मैं इसमें पानी ऐड करके इसमें इसकी फ्लेम को ऑन कर, तो जी फ्लेम मैंने इसकी ऑन कर दी है। अब ये हो जाएगा गर्म, जब तक ये गर्म होता है तो मैं अपना बाकी काम कर लेती हूँ। मैं कपड़े निकाल लेती हूँ जो कि मैंने आज मेहंदी में पहनने हैं, तो चले चलते हैं। तो जी मैं अपने मेहंदी के लिए ड्रेस निकाल लेती हूँ, और ये वाला जो मेरा मेहंदी का मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या पहनने वाली हूँ। तो ये ड्रेस है, इसको मैंने अभी प्रेस भी करना है क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रेस हुआ अलमारी में पड़ा हुआ था, तो प्रेस काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो ये है जी मेरा ड्रेस, मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये फ्रॉक बना हुआ है, तो ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, खुद स्टिच करवाया था सारा। तो बाकी तैयार होने के बाद ओवरऑल लुक क्या निकलती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसका जो ट्राउज़र है उसको इस तरह से स्टिच किया हुआ है, इस तरह से ये देखें जी। तो चलते हैं, कहवा मेरा गर्म हो गया, अगर कहवा पीते हैं। अब यहाँ पे मेरा कहवा जो अभी गर्म हो रहा है, ड्रेस मैंने आपको दिखा दी है जो मैं आज पहनने वाली हूँ। और आलिया जो है वो इतनी सुस्त हो रही है, वो उठ ही नहीं रही है, सुबह से मैं उसको कह रही हूँ उठ जाओ, तो उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी दो दिन से, तो इतनी सुस्त हो रही है कि उसका मूड ही नहीं हो रहा कि वो शादी पर जाए। लेकिन मैंने उसको कहा है कि वो उठे, लेकिन वो मुझे कह रही है कि मुझे एक कप चाय बना दो तो मैं उठ के बाकी सारे काम देख लूँगी। ये किचन के बाहर का आइडिया है, किचन में छोटी सी विंडो है जो कि हमारी टीवी लॉन्च में खुलती है, तो मैं बहुत जल्द आपको अपने घर का विजिट भी करवाऊँगी, भाभी के रूम का भी विजिट करवाऊँगी। तो चले आगे के लिए चाय बना लेते हैं। आपके लिए मैंने चाय नहीं बनाई क्योंकि सुबह मैंने नाश्ते में चाय ले ली थी बगैर चीनी के, और अब मुझे पीना है कावा। और कावा मेरा यहाँ पे तकरीबन बॉयल होने वाला है, तो जैसे ही मेरा कावा रेडी होगा इनकी चाय भी रेडी हो जाएगी। तो चाय के साथ आलिया को खाना है सोन हलवा, और सोन हलवा जो है कल ही आया है, भाई के दोस्त रहते हैं मुल्तान में, तो मुल्तान की आपको पता है फेमस चीज़ है, फेमस मीठा है वहाँ का, तो उन्होंने हमें भिजवाया है ये। एक में मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये पिस्ता और बादाम का फ्लेवर है जो कि बहुत ही मज़ेदार था। इनका हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, वैसे वहाँ पे जो मुल्तान में हाफिज़ वाले उनका सोन हलवा हमने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा है। और ये जो फ्लेवर है ये अखरोट वाला फ्लेवर है जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी था, और इसको देख के मैं अपनी तमाम डाइट भूल गई क्योंकि कल जो है वो मैंने कुछ नहीं खाया था, तो फिर मैंने सोन हलवा ही खा लिया। तो अभी आलिया कह रही है कि उसको चाय के साथ कुछ मीठा खाना है, तो मुझे घर पे अभी फिलहाल यही नज़र आया है, तो मैंने सोचा कि उन्हें यही सर्व कर दिया जाए। हाँ फाइनली मेरे कावे में बॉयल आ ही गया है लला करके, तो चले मैं इसको पी लेती हूँ। तो कावा मेरा हो गया रेडी, अब मैं इसको सिप सिप करके पी लूँगी। आज इस तरह से व्लॉग बनाने का मेरा मतलब ये है, मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी रेगुलर, और जो नॉर्मली मैं घर पे करती हूँ और जिस तरह से मेरा सारा दिन स्पेंड होता है, तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर किया करूँगी। तो ये उसी की एक काविश है कि मैं आपके साथ आज अपना पहला डे रूटीन जो है करने वाली हूँ शेयर, क्योंकि इससे पहले मैंने आपके साथ एक रूटीन शेयर की थी, वो बहुत ही माइनर सी थी और वैसे भी वॉइस ओवर के साथ ही,
तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए कि आपको व्लॉगिंग करनी चाहिए, कि आप डेली का जो भी करती हैं वो आप बस करके आप शेयर करती जाएं। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश कैसी लगी और अगेन मुझे इस तरह के व्लॉग बनाने चाहिए या नहीं। तो चलें अपना कावा ख़त्म करते हैं, और इस कावे की अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस कावे के साथ मैंने बहुत सारा वेट लॉस किया है और मेरा बहुत ज़्यादा वेट था, तकरीबन 90 kg के करीब, और अब मेरा वेट है 67 kg। तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँ और किस तरह से मैंने अपना वेट लॉस किया, तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो मैं इसको ख़त्म करती हूँ और फिर बताती हूँ कि आगे क्या करते हैं। तो चलें अब चलते हैं ऊपर रेडी होने के लिए। ड्रेस मैंने उठा ली है। चलें जी हम आ गए हैं ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी ऊपर पड़ी हुई थी और कुछ नीचे, तो सोचा कि उन्हें ऊपर जाके ही रेडी हो जाते हैं। तो जी रूम, ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी, अचानक से रूम ओपन। तो जी ये मेरे बाल हो गए हैं स्ट्रेट, और ऐसे तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज भाभी ने कहा आओ मैं करती हूँ, तो मैंने उनसे करवा लिए। तो चलिए ड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो जी ड्रेस मैंने कर लिया है अपना चेंज, शर्ट पहनी अभी मैंने सिर्फ, जब मैं टोटली पहनूंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस को सीरम लगा दूंगी, तो चलिए सीरम लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे सीरम लगा लूंगी। तो मैंने फेस पे सीरम लगा लिया, अप्लाई कर लिया है सारा। तो जी मैं आई शेड्स अप्लाई कर रही हूँ, तो बिल्कुल जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो फिर मैं आपको अपनी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। आई एम सो सॉरी, मैंने इतनी सारी वीडियो रिकॉर्ड किया और वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, इसलिए मैंने दोबारा अपना मोबाइल उठाया और कैमरा चेक किया। मैंने इतनी सारी आपके साथ बातें की हैं, अब मैं कैसे वो दोबारा कर लूँ। चलिए कोई बात नहीं, अब दूसरे हाथ में मैंने नेल पेंट डन कर लिया। आलिया मुसलसल हंस रही है, क्योंकि इस तरह पहली बार हुआ है कि मैंने इतनी सारी वीडियो शूट किया और वो शूट नहीं, इतनी सारी मैंने आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन खैर यहाँ पे मैंने डन कर लिया है बैक कैमरा, जो कि आपके लिए नहीं रिकॉर्ड हो सका। अब मैं दूसरे हाथ पे भी डन करूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरा एक दूसरा चैनल है, कुकिंग का चैनल, जिसका नाम है लैलास किचन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपके लिए 100+ रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ अभी तक, और यहाँ पे भी बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, जो कि मेरी वीडियोस देखते तो लाजमी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। आप मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ ना। आप जब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे मेरे चैनल को, मुझे आप बताएंगे नहीं कमेंट करके कि वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, तो मेरा कैसे दिल करेगा नई नई वीडियो बनाने को। तो मैंने बहुत कोशिश करके आज का ये व्लॉग शूट किया है, आई होप सो कि वो आपको अच्छा लगे, और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो जी ये मेरी नेल पेंट हो गई है डन। मैंने ऊपर से बनाया और स्ट्रेट कर दिए, और ये मैंने इसके साथ जूता पहना है, जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इतनी सारी शादियाँ देखी हैं और पाँव मेरे की बस हो चुकी है कि हील पहनी नहीं जा रही, तो फिलहाल तो मैंने ये पहन लिया। अब देखते हैं जाते हुए तक मैं बर्दाश्त कर पाती हूँ कि नहीं। तो
हम लोग वापिस आ चुके हैं और अब्बू के साथ हम लोग लगा रहे हैं गपशप, अब्बू बातें सुना रहे हैं। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर इंटरेस्टिंग लगी है, तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।